हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और मेरे साथ आज प्रवीण जी हैं जो हमारे जीएसटी एक्सपर्ट है टेक्निकली, लेकिन आज हम इनके साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाई प्रोफेशन ये सीए भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल जीएसटी ही जानते हैं, ओवरऑल टैक्स का एक अच्छा नॉलेज भी है। तो प्रवीण जी आज हमारे साथ थे, तो आज हमने सोचा कि बजट पे प्रवीण जी चर्चा करें और इसमें हमने कैरेक्टर भी सोचा हुआ है। क्या कैरेक्टर सोचा है, इसमें हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे। पहले एक तो नया टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम, और कौन कौन से ऐसे जो चेंजेस आए हैं जो कि आपके पॉकेट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम केवल यही बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आपके जेब पे छुरी चक्कू या जो भी आप कहें चलने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए, आज जो हमें सबसे पहले बात करने वाले हैं टैक्स कैलकुलेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से। प्रवीण जी हैं, एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे परिवार से हैं और शरीफ आदमी हैं। इनको हम शरीफ आदमी की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो नया टैक्स रिजीम है उसमें ऐसा ही कहा गया है, एक ऐसे लोग हैं जो कि हमारे टाइप लोग हैं, खर्च करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, नो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट। प्रवीण जी हैं कि भाई समझदार आदमी है, शुरू से परिवार में सिखाया गया इन्वेस्ट करो, तो ये इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम कैटेगरी कैसे समझाने वाले हैं, एक मेरे जैसा आदमी जो कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, एक प्रवीण जैसा आदमी जो कि इन्वेस्ट करता है, तो क्या मुझे फायदा हो रहा है या प्रवीण जी को फायदा हो रहा है, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि आप पे भी ये अप्लीकेबल होता है। बिल्कुल। अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। 7.5 लाख रुपए की इनकम हो तो क्या टैक्स होगा, और उसमें अभी प्रवीण जी बताएंगे क्या क्या कंसीडर करने वाले हैं। थैंक यू हिमांशु जी। आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी लेटेस्ट बजट 2020 के अंदर मिसेस फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो एक नया ऑप्शन चूज करने के लिए कहा है। लेट अस अज्यूम करते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी लेके चलते हैं, जिसके अंदर आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, साथ के साथ मैं मान के चलता हूं कि मेरे जैसा आदमी ATC भी लेता है 1.5 लाख का और 25,000 का मेडिक्लेम भी लेता है, तो अगर मैं ये सब डिडक्शन क्लेम करता हूँ, तो 5,25,000 की मेरी टैक्सेबल इनकम आती है, उसके ऊपर मेरा टैक्स बनता है 17,500 रुपये। और अगर मान लीजिए मैं सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करता हूँ, कोई ATC नहीं, कोई ATD नहीं, तो मेरी टैक्सेबल इनकम इज 7 लाख, जिसके ऊपर टैक्स बनता है मेरा 52,500। इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछले रिजीम के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ATC और ATD की इंपॉर्टेंस थी, जिसके बेसिस पे मैं अपना टैक्स लगभग 35,000 का बचा सकता था। बट अगर अब मैं न्यू रिजीम की बात करूं तो मुझे कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, कोई ATC नहीं, कोई ATD का बेनिफिट नहीं, इसका मतलब जो मेरी 7.5 लाख की इनकम है हिमांशु जी, उसके ऊपर टैक्स बनता है 37,500। तो कहीं ना कहीं फिर भी मुझे बेनिफिट है विदाउट क्लेमिंग एनी ATC और ATD का। यानी मैं यहाँ पे प्रवीण जी रोकूं, पहली चीज समझिए, इसमें अभी हमने क्या क्या कंसीडर नहीं किया है, HRA भी कंसीडर नहीं किया है, मेन चीज एक मेन पॉइंट, उसके अलावा और भी छोटे छोटे ऐसे आइटम थे जो कि आप क्लेम कर सकते थे वो भी कंसीडर नहीं किया। अभी प्रवीण जी को इसलिए रोका है कि जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि पुराने सिस्टम में थे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, 7.5 लाख रुपए पे 52,500 देंगे, अगर मेरे जैसा आदमी नए सिस्टम में चला जाता तो 37,500 रुपए टैक्स। लेकिन प्रवीण जी को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं क्योंकि आपको पुराने सिस्टम में रहना, क्योंकि मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और मेरा ATC चल रहा है, मेरा ATD चल रहा है, तो सेविंग भी बहुत और मेरी सेविंग भी है, जिस हिसाब से मेरा टैक्स कम है। अब 10 लाख पे बात करते हैं, 10 लाख पे बात करते हैं, चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। राइट, 10 लाख के ऊपर बात करते हैं, अगेन मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी मुझे 50,000 की, ATC मेरा 1.5 लाख और 25,000 मेरा ATD, जिसके हिसाब से मेरी टैक्सेबल इनकम बनती है 7,75,000 और टैक्स बनता है 67,500 का। और अगर मान लीजिए मैं ATC और ATD नहीं लेता ओल्ड रिजीम के अंदर, तो मेरा टैक्स बनता है 1,02,500। और अगर मैं न्यू रिजीम में चला जाता हूँ विदाउट क्लेमिंग एनी डिडक्शन, तो मेरा यहाँ पे टैक्स बनता है 75,000 का। तो कहीं ना कहीं मेरा जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए जो खर्च करते रहते हैं, जो अभी सेविंग के दौर में ही सेविंग दौर में नहीं है, तो उनको 75,000 का टैक्स यहाँ पे लगेगा। मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो 27,000 रुपए का बेनिफिट हो, 27,000 का बेनिफिट। लेकिन अगेन जो अगेन बेनिफिट नहीं करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है आगे बढ़ते हैं। राइट, अब
5 लाख रुपए और हम इंक्रीज करते हैं, 7.5 लाख से हम 10 लाख पहुंचे, अब हम 15 लाख पे पहुंचते हैं। 15 लाख के हिसाब से अगर मेरा ATC है और ATD है तो मेरा टैक्स बनता है 1,95,000 का जी। और अगर मैं कोई ATC और ATD नहीं लेता तो मेरा टैक्स बनता है लगभग 2.5 लाख रुपए का, 2,47,500 रुपये। अब मैं हिमांशु जी की तरफ चलता हूँ। अगर हिमांशु जी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई नथिंग क्लेमिंग एनी ATC ATD और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई क्लेम नहीं करते तो इनका टैक्स बनता है 1,87,500। मैं यहाँ पे थोड़ा प्रवीण जी को कहूँगा रुकें। अब देखिए प्रवीण जी, यहाँ पे क्या हुआ, टोटल इनकम थी 15 लाख। 15 लाख आप अब टैक्सेबल जो आप इनकम ले रहे हैं आपके लिए वो 12,75,000 जिसपे टैक्स बन रहा था 1,95,000। राइट, नए सिस्टम में 15 लाख का इनकम था, टैक्स लग रहा है 1,87,500। यानी कि प्रवीण जी भी अब लॉस में आ गए। लेकिन मैं अभी फिर रोकूं, अभी प्रवीण जी ने ना HRA क्लेम किया है, बिल्कुल ना NPS की क्लेम किया है, और ना होम लोन के किसी भी तरह के 2 लाख की जो डिडक्शन मिलती है वो भी क्लेम नहीं करी है, तब लॉस में है, तभी लॉस। अगर ये सिस्टम आपके पास है तो इनिशियली यू विल गेन। हाँ, तब तो फिर मामला, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपके तरफ चलते हैं। मेरे पास है जिसमें सेम कंडीशंस है, क्यों हमने एक चीज यहाँ पे ऐड कर दिया कि अगर आपका होम लोन चल रहा था तो उसके भी हमने 2 लाख रुपए कंसीडर कर लिया। यानी पहले था 1,50,000 और 25,000, अब उसमें 2 लाख और ऐड कर देते हैं। अब देख लेते हैं क्या सिनेरियो क्या रहता है, क्योंकि देखिए हर का कंफ्यूजन है कि क्या होगा, कितना बचेगा। तो भाई हम तो सिनेरियो पे ही बात कर ले, बिल्कुल पहले प्रवीण जी की बात करते हैं। अगर इनकी 7.5 लाख की इनकम थी और इन 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख का ATC, 25,000 का आपका ATD और 2 लाख का इंटरेस्ट, ठीक है सर, आप हो गए टैक्स फ्री हो, कोई टैक्स नहीं देना सर 7.5 लाख। राइट, ठीक है, कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड रिजीम में, मैं कुछ नहीं क्लेम कर रहा, तो 52,500, यानी 52,000 का इन्होंने प्रॉफिट ले लिया टेक्निकली। लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है 100%। नए सिस्टम में 7.5 लाख का 7.5 लाख रहेगा, उस पर आपको 37,500, यानी अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो मेरे लिए फायदेमंद है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा कंडीशन 10 लाख, 10 लाख पे इनकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी 5,75,000 रुपये आएगी, मेरी 9,50,000 आएगी और नए सिस्टम में 10 लाख होगी। प्रवीण जी को जो टैक्स देना पड़ेगा 27,500, मुझे 1,02,000 और नए सिस्टम में 75,000। अभी भी प्रवीण जी बहुत बेनिफिट में, बहुत फायदे में, लेकिन उसका उन्होंने कॉस्ट दिया है। राइट, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। तीसरा जो लास्ट है 15 लाख, 15 लाख पे अभी पिछले वाले कंडीशन में प्रवीण जी लॉस पे थे, याद रखिएगा, उसमें जो आ रहा था 1,95,000 का, लगभग 7,500 का लॉस में था जी। अब सिस्टम में, नए सिस्टम भी चेक कर लेते प्रवीण जी, ठीक है। पहले प्रवीण जी की बात करें, अब इनकी टैक्सेबल इनकम हो गई 10,75,000 और जो टैक्स बना 1,35,000, पहले 1,95,000, उसी रिजीम से पहले मैं अगर ओल्ड सिस्टम में हो, कोई डिडक्शन नहीं क्लेम करता हूं, तो 2,47,500 और नए सिस्टम में हो तो 1,87,500। सर अब आप बेनिफिट किसमें है? नहीं सर, छोड़ दिया, बेनिफिट की तो हम बात ही नहीं करते। अच्छा, हम ये सीट दिखा रहे हैं, ठीक है, आप देखें, आप डिसाइड, आपको क्या ऑप्शन सही रहता है। कि अगर आपने कोई कमेंट कर दिया तो यहाँ पे झरी लग जाएगी, बिल्कुल आपको काउंटर करने, क्योंकि हर एक की कंडीशंस और एग्जेम्पशन अलग अलग है। काम नहीं है कमेंट करना, हम कोई कमेंट नहीं दे रहे कि अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, खराब है, हमें कोई दिक्कत है। गेंद आपके पाले में, आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल, किसी के लिए बेनिफिट हो, किसी के लिए नहीं हो, बिल्कुल। अब मेरे जैसे आदमी के लिए हो सकता है बेनिफिट है, मैं तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये कहना है कि गलत है, मैं उसे एग्री नहीं करता हूँ। तो एक ये था। अब प्रवीण जी, अब बात करते हैं कुछ और नए बजट, और जहां पे जेब ढीली होने वाली है, जेब ढीली होने वाली है, जैसे कि आपकी भी शादी नहीं है, लेकिन अब आप हनीमून पे तो जाने वाले हैं नहीं, लेकिन जिनकी नई शादी है या पुरानी भी है और बाहर फॉरेन टूर पे जाना है सर, तो सर क्या होने वाला है? तो अगर आप फॉरेन टूर पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जेब ढीली होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख का पैकेज बुक करते हैं हिमांशु जी, तो कहीं ना कहीं 5% का TCS डिडक्ट कर लेगा टूर वाला। TCS, ये TDS नहीं है, TCS, इसको TCS कहते हैं। कहने का मतलब, जो अपनी सप्लाई दे रहा है टूर वाला,
अगर आपको कोई सप्लाई दे रहा है, आपका टूर पैकेज बुक कर रहा है, तो एक लाख का आप पैकेज टूर बुक कर रहे हो तो 5% वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, पर इनिशियली आपको देना पड़ेगा, कॉस्टिंग लग गई। अगर पैन कार्ड नहीं हुआ ना और आधार, हाँ ये आपने बात, तो ये भी बताया, ये भी कंडीशंस हैं, ये भी है कि अगर आपने कोई पैन कार्ड और आधार कार्ड उस समय केस में नहीं दिया टूर वाले को, पैकेज टूर वाले को, तो ये 10% लग जाएगा, 10,000 चले जाएंगे सर। तो अगर आप हनीमून के और फैमिली के साथ टूर पे हैं तो सर थोड़ा सा ये भी बजट कर लें। बिल्कुल, लेकिन हम कमेंट नहीं करें, हम बता रहे हैं सर आपकी जीप पे पड़ने वाला। अब चलिए बात करते हैं LRS स्कीम। जब आप इंडिया के बाहर कोई पैसा लिबरलाइजेशन जो स्कीम है हमारी जो गवर्नमेंट ने लाई थी, मैं उस पर टेक लूंगा आपका, उसमें मैं पहले बता दूं, उस स्कीम के तहत आप 2.5 लाख USD तक भेज सकते हैं। उसके एक कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे आइटम बताए गए जिसमें आप पैसा इंडिया के बाहर भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रवीण जी अब क्या है, 7 लाख की लिमिट लगा दी गई, अब 7.5 लाख की यहाँ पे लिमिट लगा दी गई। इसका मतलब अगर आप पैसा भेजते हो बाहर बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, अपने रिलेटिव को भेजने के लिए, तो अगर आप 7.5 लाख से ज़्यादा की अगर पेमेंट अगर बाहर भेजते हैं तो आपको 5% का TCS वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। जो ऑथराइज डीलर होगा वो ले लेगा वहाँ पे, आप पे कर देगा, आपके 26 में आ जाएगा, फिर 26 में आ जाएगा, वो क्लेम हो जाएगा इन द फ्यूचर ITR में। लेकिन उस समय तो सर निकल ही जाएंगे। बिल्कुल उस समय निकल जाएगा, एक साल तक जेब डीली हो जाएगी उस अमाउंट की। अच्छी बात है, आपके आपको टैक्स कम पे करना बिल्कुल, आप क्लेम ले लें, क्या दिक्कत है, आपका हो सकता है एडवांस टैक्स कम जाए। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का कंसर्न है, लेकिन आपके की डिपार्टमेंट ट्रैक, आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट का आप कुछ कह रहे थे कि हाँ, डिपार्टमेंट का व्यू ये चल रहा है कि मिनिस्ट्री का कि चेकिंग है ना, कि बहुत लोग रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं, यही तो हो रहा है ना, भी जा रहे हैं, यही तो हो रहा है ना, सोशल मीडिया पे पिक लगा रखी है, BMW पे घूम रहे हैं, फॉरेन ट्रिप पे थे, फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, कि सर थोड़ा सा हम आपको हम ट्रिप देते हैं, थोड़ा हम ट्रैकिंग में ले आते हैं आपको, और अब देखिए परेशानी हो जाएगी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, फॉरेन टूर की प्लान कर रहे हैं, बहुत लोग आते हैं कि सर हम तो घूम, इसलिए रिटर्न फाइल करें, सोर्सेज बताएं और इसका TCS का बेनिफिट लें, मजे करें। राइट, अब आ जाए PF, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सैलरी क्लास के लिए, ये देखिए सैलरी क्लास सबके तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिनकी सैलरी थोड़ी अपर कैटेगरी की, जिनको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर लोग हैं, व्हाइट कॉलर, हम भी व्हाइट कॉलर ही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे लोग व्हाइट कॉलर हैं, लेकिन ये उनके लिए है जिनकी सैलरी बड़ी है। अब उस पे 7.5 लाख रुपए की कैपिंग लगा दी गई, जितने भी आपके PF और सुपर एनुएशन फंड जो मिलता है हिमांशु जी, और अगर ये 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का फंड बनता है तो उससे ज्यादा जितना भी अमाउंट बनता है वो परक्विजिट काउंट हो जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और जो स्लैब होगा ये भी जो स्लैब होगा तो 30% में तो जरूर जाएगा सर, इसका मतलब 30% का तो टैक्स वहां पे लगेगा, क्योंकि वो वही लोग हैं जिनके 30% वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहने का मतलब मैं इनडायरेक्टली अगर उसको कहूँ तो आप 30% में फॉल कर जाए। राइट, अब एक लास्ट है वो भी बता ही दे, NRI वाले केस में कि सर पहले 182 डेज की लिमिट हुआ करती थी, अब वो लिमिट 120 डेज की हो गई। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जो NRIs हैं उनकी ग्लोबल इनकम भी टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगी, ये पॉइंट भी उसके अंदर कंसीडर किया गया है। फिलहाल हम इस पे कुछ और पॉइंट नहीं कह सकते क्योंकि डिपार्टमेंट की फर्दर क्लेरिफिकेशन आनी बाकी है, और इसमें कुछ आ भी गया है, उन्होंने प्रेस रिलीज किया है जिसमें कहा है कि UAE को हम साइड करते हैं और प्रकाश डालते हैं। उसमें कहा गया कि अगर आप NRI हैं और किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं है, ये भी क्लॉज था, उस केस में आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पहले अपने जो मेरे व्यूअर हैं, मैं मान के चल रहा हूँ मिडिल क्लास लोग हैं, उनको परेशान होने की जरूरत, बिल्कुल सही, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि सैलरी क्लास हमारा टारगेट नहीं, सैलरी क्लास टारगेट नहीं है, लेकिन देखिए सर लॉ है, अब क्या उसमें लिख दिया जाएगा मुझे नहीं पता, बट आप टारगेट नहीं है, टारगेट वो है जो बिजनेसेस, जो थोड़े हैवी वेट लोग हैं, बिल्कुल, मतलब वजन से नहीं, मैं वजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हैवी वेट मतलब उनकी जेब बहुत हैवी वेट है, बिल्कुल, ये उनको ट्रैप करने की, क्योंकि ये एक तरह का टैक्स प्लानिंग है जिस पे हम यहाँ पे चर्चा तो नहीं कर सकते, ये एक स्ट्रैटेजी था टैक्स बचाने का, जो कि हम लेट्स सी देखते हैं कि फर्दर क्लेरिफिकेशन क्या कर सकती है।
तो प्रवीण जी मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ बचा है, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन रह जाए या किसी तरह की क्वेरी रह जाए जीएसटी से या इनकम टैक्स से, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या किसी चीज़ पे फर्दर क्लियरिटी चाहते हैं तो वो भी देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई वन टू वन भी बात करना है तो आप मेल डाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट होकर आपकी क्वेरी को फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व कर देंगे। टेंशन ना लें, हम लोग बैठे हैं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।